रहीम भाई का फोन आया था, क्या कह रहे थे? अरे हाँ, रहीम भाई कह रहे थे कि कल आ जाओ जगह देखने के लिए। अरे वाह, हम तो बहुत जल्द अपने घर के मालिक होने वाले। अरे मैडम, सब्र करें थोड़ा सा, अभी जाकर देखते हैं कि जगह कैसी है, रहने के काबिल है भी या नहीं, जमीन कैसी है, कंस्ट्रक्शन के लिए सारे वसाइल मौजूद हैं भी या नहीं। आप अचानक से ख्वाबों की दुनिया में अपने घर की मालकिन बनने के ख्वाब देखने लगे, हकीकत की दुनिया में वापस आ जाएं मैडम। आपको नहीं पता मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई नो, लेकिन पहले वो जगह देखेंगे फिर ही फैसला करेंगे ना। अच्छा, कल ऑफिस से आते ही चलेंगे। हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। इससे तो नींद ही नहीं आएगी रात को। अच्छा, वो रहीम भाई कह रहे थे कि अगर हमें जगह पसंद आ गई तो बिल्डर से हमारी मुलाकात करवा दें, हमारी मुकम्मल तसल्ली के लिए। आपने अच्छे से मालूमात की थी, मेरी फ्रेंड कह रही थी आजकल बहुत धोखे फ्रॉड हो रहे हैं। जगह तो एक नंबर है ना। अरे नहीं, रहीम भाई से जब मेरी बात हुई है तो वो बता रहे थे कि सोसाइटी बिल्कुल एक नंबर है, कोई डबलिंग नहीं है प्लॉट्स की, और बिल्डर तो एतमाद का है। आप खुद तो मुतमईन है ना। अरे बाबा, इतनी बड़ी सोसाइटी और इतने सारे लोग प्लॉट्स की बुकिंग करवा रहे हैं धड़ाधड़। याद है रहीम भाई बता रहे थे कि चंद ही प्लॉट्स बाकी हैं। अब हम इस तहकीक के चक्कर में रहे ना तो कोई प्लॉट नहीं आएगा हाथ। हाँ ये भी आप सही कह रहे हैं, हम कल जाएंगे तो जगह तो देख ही लेंगे। जगह तो विजिट कर ली और जगह हमें अच्छी भी बहुत लगी है। इलाका देखा आपने, सोने जैसे कीमती सोसाइटी। ये तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप विजिट कराए, वरना बहुत सारे लोग तो आंख बंद करके हम पे एतमाद करते हैं और बुक करा जाते हैं। तो इस सोसाइटी का नाम ही काफी है ना। जी, लेकिन मेरी मिसेस को थोड़ा एतराज है। बहन आपको क्या एतराज है, आपको अंदाजा नहीं इस जमीन का, सोने जैसी कीमती जमीन है। कल ये हाथ से निकल जाएगी ना तो अफसोस करेंगे आप। मैंने तो कहा था कि बहुत अच्छी जगह और मुझे तो पसंद भी बहुत आई है। शहर के शोर से दूर, आलूदगी से पाक, बहुत अच्छी जगह। बिलाल साहब, ये बात बहन को समझाएं। आजकल लोग पुरसकून इलाका ढूंढते हैं रिहाइश के लिए। आप एक बात और, आप तो कह रहे थे कि रिहायशी सोसाइटी है, लेकिन वहां पे तो कोई घर बना हुआ नहीं है। बिलाल साहब, इतनी जल्दी कैसे तामीर हो जाएंगे सारे घर? आपके अलावा और लोगों ने भी तो बुक करवाया है ना, तो सबकी तामीरात एक साथ शुरू होंगी। अब ये देखें, ये प्लॉट कॉर्नर का प्लॉट है, वेस्ट ओपन है, चौड़ी सड़क है। और क्या चाहिए इस प्लॉट के अंदर आप लोगों को? हाँ ये कुछ समझ में आ रहा है बिलाल, अगर आपको बुक करवाना है तो फिर यही करवा लें, इसके सामने पार्क भी है। ठीक है, ये वाला डन कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं ये बुक कर लेता हूँ। लेकिन बिलाल साहब, पेमेंट कैसे करेंगे आप? आपने हमें कहा था कि आप बिल्डर से भी मिलवाएंगे। हाँ वो मैंने कहा था, बिल्कुल मैं आपके बिल्डर से मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन ये कीमती प्लॉट है, बहुत रेयर प्लॉट है, बड़ी मुश्किल से ऐसे प्लॉट मिलते हैं, तो इसकी बुकिंग के लिए आप कुछ एडवांस या रकम दे जाते ताकि मैं इसे रोक लूं। कल मैं आपकी बिल्डर से मुलाकात करवा दूंगा। एक काम करते हैं, आप हमारी कल बिल्डर से मीटिंग करवा दीजिए तो एडवांस भी हम कल ही दे देंगे। चले ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ रकम आप दे जाते तो ज्यादा बेहतर होता। वो आपकी बात सब ठीक है, लेकिन हम पहले बिल्डर से मिलना चाहेंगे। ठीक है बिलास, जैसी आपकी मर्जी। जोहान, जोहान, कब से आवाजें दे रही हूं मैं आपको, आवाज हल्की करो इसकी। जी 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 बोले। आपके लिए एक सरप्राइज है, जाइए बाहर जाके देखिए। सरप्राइज कहाँ? अरे एक सेकेंड, पकड़ो 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 पकड़ो। मामा सारे सरप्राइजेस जोहान के लिए, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि बाबा से बात करें, मुझे यूरोप ट्रिप पे जाना है, मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे क्यों मना कर रहे हैं आप लोग? अम्मा प्लीज आप तो चुप कर जाओ, मैंने की है आपके बाबा से बात, वो आपको इस तरह अकेले बाहर भेजने पे तैयार नहीं है। क्यों? मैंने कह दिया मुझे जाना है तो जाना है, आप बाबा को कहीं कुछ अरेंज करें। हमना क्या करूं मैं इस लड़की का। Thank you.
ये तो नया मॉडल है इमरी। ये गाड़ी आ गई, ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड पापा, पापा, हेलो हेलो बाबा, बाबा थैंक यू बाबा, ये तो नया मॉडल है। ओवर थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, यू द ग्रेट डैड। मुझे नहीं, मैंने ड्राइव नहीं लिया अभी तक, ड्राइव नहीं ली, मैं भी लूंगा बाबा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा बाबा। बाबा थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू जी जी जी। मम्मा, हाँ इतना जल्दी? अरे देखिए मेरी नई गाड़ी आ गई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा सच में। सुने ना, चले बैठे ना, मैं आपको राइड देता हूँ। नहीं, तुम बहुत स्पीड में चलाते हो, चलाते क्या हो बल्कि उड़ाते हो। ऐसा करो, ड्राइवर से कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बाबा ने मुझे गिफ्ट की है, ड्राइवर को गिफ्ट नहीं की। चले ना बैठे ना, कुछ नहीं होता। जुहान प्लीज आप। भाई मैं खुद जा रहा हूँ। ओके बाय जुहान। अच्छा आराम से ड्राइव करना। जी जी आराम से, आराम से ड्राइव। मैंने कहा भी था इस लड़के को कि आराम से ड्राइव। जुहान को गाड़ी पसंद आई? बहुत पसंद आई है। जुहान की ख्वाहिश तो आपने पूरी कर दी, और जो मैं इतने दिनों से डायमंड सेट का कह रही हूँ उसे आप इग्नोर कर रहे हैं। वो भी दिला देंगे, क्यों शिकायत करती हो हर वक्त? हाँ बस यही बातें कर करके ना मुझे बेवकूफ बनाते रहे। अच्छा बताइए कब दिला रहे हैं? और हाँ याद आया, हम ना आपसे बहुत नाराज है। जाने देना उसे ट्रिप पे, उसके सारे फ्रेंड्स तो जा रहे हैं। हम इस टॉपिक पे घर में बात करते हैं, मैं भी मसरूफ हूँ जरा। ओके ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। पार्टी मुतमिन नहीं हो रही है, आपसे मिलना चाह रही है। आपने देख लिया है पार्टी आगे जाके ज्यादा तंग तो नहीं करेगी? बेजरत सी छोटी सी फैमिली है सर, अपने घर की शदीद ख्वाहिश उसे यहाँ ले आई है। अब देखते हैं आप उन्हें किस तरह से डील करते हैं। मैंने कल का टाइम दे दिया। ठीक है आने दो, देख लेते हैं। जगह दिखा दी थी उनको? हाँ जगह देख ली सर, और जगह बहुत पसंद भी आई है। लेकिन एक मसला है, बात बात पे सवाल पूछते हैं, बात बात पे सवाल पूछते हैं। रहीम साहब, हम यहाँ बैठे ही लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए, आने दें इनको भी, इनके सवालों का भी जवाब दूंगा मैं। और सुनाए सब ठीक चल रहा है, कोई मसला तो नहीं? हाँ सर अल्लाह का करम है, बस वो जरा गार्ड को कुछ खर्चा पानी देना था, इसलिए कुछ अनायत हो जाए तो मेहरबानी हो। ठीक है जनाब। अल्लाह